यहाँ तो शिव पुराण की कथा चल रही है, इसलिए भगवान शिव के गुणगान गाए जा रहे। आपका इष्ट जो हो, आपका श्रद्धा जिस पे हो, राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, देवी माता हो, गणेश जी हो, शिव जी हो, उनका नाम विश्वास पूर्वक श्रद्धा से निरंतर जप। अत्रि जी महाराज तप करने के लिए गए, तप कठोर तप। और जैसे कठोर तप किया, तेज बाहर निकलने लगा तपस्या। अग्नि के ज्वाला से देवता पीड़ित हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह इस अग्नि के ज्वाला से मेरी रक्षा। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो अत्रि मुनि के तप का प्रभाव है, चलो भगवान नारायण के पास चलते। सभी देवता मिलकर के भगवान नारायण के पास। महाराज कृपा करो, नहीं तो सारा संसार जल जाएगा। अत्रि मुनि इतने कठोर तप कर रहे हैं कि उनके तप के फल स्वरूप जो उनके शरीर से तेज निकल रहा है, जो अग्नि निकल रहा है, उससे हम लोग पीड़ित हो। भगवान विष्णु ने कहा, चलो भगवान शिव के पास चलते। ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं के साथ भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। उनसे प्रार्थना की, महाराज आप चल करके अत्रि जी को दर्शन दे, क्योंकि उनके तेज के प्रभाव से हम लोग व्याकुल। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों अत्रि जी के पास पहुंचे। अत्रि मुनि के पास पहुंच करके चरण में साष्टांग दंडवत। और दंडवत करके बैठ गए। भगवान शिव ने कहा, ऋषि आप अपने मनोरथ बताओ। क्योंकि आपने तप करके हमें अपना मनोरथ देने के लिए, वर देने के लिए दिवस कर, इसलिए आप अपना मनोरथ बताओ, क्या इच्छा है आपको, क्या चाहिए। अत्रि मुनि ने कहा, प्रभु मन में एक ही अभिलाषा, और ये अभिलाषा है कि आप मेरे घर पुत्र के रूप में पधारें।
भगवान शिव ने कहा, ऋषि मैं आपको आपके वरदान को सत्य करने के लिए अपने दिए हुए वचनों को सत्य करने के लिए हम अकेले नहीं, हम तीनों ब्रह्मा विष्णु और मैं तीनों ही आपके घर में पुत्र के रूप में आऊंगा। और वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर वही तीनों देव अत्रिके जी के घर में चंद्रमा, दुर्वासा और दत्त के रूप में पधारे। चंद्रमा ब्रह्मा जी का रूप, भगवान दत्त भगवान नारायण का रूप है और दुर्वासा जी जो है ये भगवान शिव का रूप है, रुद्र। तीनों ही भगवान अत्रि के ऋषि अत्रि के घर पधारे पुत्र के। दुर्वासा जी के लिए आता है क्योंकि नंदकेश्वर से शनत कुमारों ने पूछा, महाराज एक चीज और आप बताएं, ऋषि दुर्वासा और क्या लीला किए ये मेरे मन में जिज्ञासा है श्रवण कर। हे मुने एक बार की बात है, भगवान विष्णु के परम भक्त अनन्य उपासक अम्बरीश जी महाराज वो एकादशी के व्रत करते थे, एकादशी के बाद द्वादशी आया, द्वादशी आने पर प्रातः काल दुर्वासा जी पहुंच गए अपने शिष्यों के साथ। जब अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए अब ये नियम है कि कोई भी व्रत करने के बाद अपने व्रत को खोलने से पहले हम ब्राह्मण भोजन कराते हैं और ब्राह्मण भोजन कराने के बाद हम व्रत को खोलते हैं।
अम्बरीश जी महाराज से दुर्वासा जी ने कहा कि राजन मैं स्नान करके आता हूं, फिर मैं प्रसाद ग्रहण करूं। अब वो तो स्नान करने के लिए चले गए और उनको काफी देर लग गई। जब उनको काफी देर लग गई तब उन्होंने अम्बरीश जी महाराज ने अब ब्राह्मण को भी भोजन करवाना है और पारणा भी करनी है। बगैर ब्राह्मण को भोजन कराए हुए पारणा नहीं कर सकते और समय व्यतीत पारणा का होता जा रहा है। तो क्या किए? उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज ऋषि को आने में विलंब हो रहा है और अभी ब्राह्मण भोजन भी होना है और उसके बाद पारणा भी करनी है व्रत का, और पारणा का समय व्यतीत होने को आ रहा है, आप बताइए इन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा कि इस परिस्थिति में आप भगवान का चरणामृत और तुलसी दल ले लें, इससे आपका नियम भी भंग नहीं होगा और दूसरी बात आपका व्रत भी रह जाए और पारणा भी हो जाए। तो अम्बरीश जी महाराज चरणामृत और तुलसी दल ले ही रहे उसी समय दुर्वासा जी वहां पहुंचे। दुर्वासा जी ने कहा क्यों राजन तुमने बगैर भोजन करवाए ही और तुमने जलपान कैसे कर लिया? और दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। भागवत में तो आता है कि उन्होंने अपनी दुर्वासा जी ने जटा उखाड़ करके और पृथ्वी पे पटक करके कृत्या को प्रकट किया और कृत्या जलाने लगी अम्बरीश जी को। जैसे जलाने के लिए कृत्या आगे बढ़ी तो चक्र सुदर्शन भगवान ने अम्बरीश जी के रक्षा के लिए छोड़ रखा था। अब चक्र सुदर्शन ने देखा कृत्या अम्बरीश जी को जलाने के लिए तत्पर है,
तो पहले तो कृत्या को नष्ट किए सुदर्शन चक्र, और फिर दुर्वासा जी के पीछे लग गए। दुर्वासा जी ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी ने भी सहायता नहीं की, कहे तुम जाओ। फिर भगवान शिव के पास पहुंचे, भगवान शिव ने कहा मैं भी तुम्हारा सहायता नहीं कर सकता, तुम भी यहां से जाओ। तब भगवान विष्णु के पास पहुंचे, महाराज अपनी सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका तुमने अपराध किया है उसके पास जब दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास पहुंची और पीछे पीछे सुदर्शन ऋषियों ने कहा अम्बरीश जी से, महाराज ये दुर्वासा जी भगवान शिव के अवतार हैं। इतना सुनना था कि सुदर्शन चक्र शांत हो गया और अम्बरीश जी चरणों में गिर पड़े, मेरे अपराध को आप क्षमा। एक बार दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे, और जब स्नान कर रहे थे तो द्रौपदी ने उनको वस्त्र दान दिया और इससे प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी ने वरदान दिया, बेटी आज तूने मेरे शरीर को ढकी है वस्त्र से, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, यही वस्त्र समय आने पर तुम्हारा भी शरीर को ढकेगा। तो जब दुर्योधन के कहने पर कौरवों की सभा में दुशासन वस्त्र खींच रहा था, उस समय यही दुर्वासा जी का वरदान वस्त्र के रूप में परिणत हुआ। एक कथा और आती है कि एक बार दुर्वासा जी भगवान कृष्ण के परीक्षा लेने के लिए गए। और जब परीक्षा लेने के लिए गए, भगवान कृष्ण बड़ी सेवा उस सेवा से प्रसन्न हो करके भगवान को वरदान दिया कि तुम्हारा शरीर वज्र जैसा हो जाए। अरे यही नहीं, कुंती माता कुंती को भी दुर्वासा जी ने वरदान दिए थे। माता कुंती के सेवा से प्रसन्न होकर कथा आती है कि चौमासा कर रहे थे दुर्वासा जी, अब महाराज कौंतेय
अपनी पुत्री कुंती को उनकी सेवा के लिए छोड़ रखे थे और कुंती ने इतनी सेवा की और उसी सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी ने एक मंत्र दिया कि बेटी जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़े या दिखाई दे तो इस मंत्र का तुम जप करना। इस मंत्र के प्रभाव से जिस देवता का तुम जप करेगी वो देवता तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और उसी मंत्र के जप की थी कुमारी अवस्था में और भगवान सूर्य आकर के खड़े हो गए थे सामने और कहने लगे मैं अपने तेज को कहां ले जाऊंगा। और वही दुर्वासा जी के दिए हुए मंत्र के प्रभाव से कर्ण सूर्य के तेज के द्वारा कर्ण की उत्पत्ति हुई और उसी मंत्र के प्रभाव से ये पांचों पांडव उत्पन्न हुए। तो दुर्वासा जी का चरित्र नंदकेश्वर ने सनक कुमारों को श्रवण कराया। सनक कुमार नंदकेश्वर ने सनक कुमारों से कहा हे मुने भगवान शिव तो लीलाधारी एक बार जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके और देवताओं को अमृत पान कराया। आप लोग इस कथा को सब जानते हैं। जब अमृत पान इत्यादि करा दी कुछ दिन पश्चात भगवान शिव के मन में आया क्योंकि भगवान विष्णु जब जब अवतार लेते चाहे रामा अवतार हो चाहे कृष्णा अवतार हो चाहे और भी अवतार जब जब लेते हैं तो भगवान शिव दर्शन के लिए उस अवतार का दर्शन करने अवश्य जाते हैं। रामा अवतार में मदारी का रूप धारण करके गए थे, ज्योतिषी का रूप धारण करके गए, कृष्णा अवतार में साधु का वेश धारण करके गए, तो एक भगवान शिव के मन में ये अभिलाषा थी। कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किए तो इस अवतार का मैंने दर्शन नहीं कर पाया। चलो भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि महाराज इस मोहिनी अवतार का दर्शन कर। कथा आती है किसी दे बैकुंठ पहुंच गए
भगवान विष्णु से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान विष्णु ने पूछा, बाबा आज इधर कैसे आ गए? भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रभु एक मन में अभिलाषा। क्या अभिलाषा है? मेरे मन में ये अभिलाषा है कि आपके सभी अवतारों का मैंने दर्शन किया, लेकिन मोहिनी अवतार का दर्शन नहीं कर पाया। तो मन में यही इच्छा है कि आपके मोहिनी अवतार का दर्शन करें। भगवान विष्णु ने कहा, बाबा इस चक्कर में मत फंसना, नहीं प्रभु आप दर्शन करवा। अब बार बार भगवान विष्णु मना कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं मुझे दर्शन करना। अब बार बार कहने पर भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया। माया से एक सुंदर सा बगीचा का निर्माण किया। उस बगीचे में नाना प्रकार का फल, नाना प्रकार का पुष्प, पक्षी कलरव कर रहे हैं। बगीचे के बीच में एक कुंड है, उस कुंड में कमल खिला हुआ है, भौरा गुंजायमान है। और उस सरोवर के किनारे एक 16 साल की कन्या जिसके शरीर पर एकदम भीनी सी पतली सी वस्त्र, पवन देव ने थोड़ी कृपा की, हवा चला और उस कन्या के शरीर से वस्त्र भी हट गए। और वो कन्या गेंद को उछालती हुई, गेंद से खेलती हुई और आगे बढ़ गई। भगवान शिव ने इस दृश्य को देखा अब उस कन्या के रूप को देख करके भगवान शिव इतनी कामाशक्त हो गए, इतनी कामाशक्त हो गए कि बार बार उस कन्या को आलिंगन करने की चेष्टा कर ले, लेकिन वो कन्या भगवान शिव के आलिंगन में आ नहीं पा रही है। और उछालती हुई कन्या, 16 वर्षीय कन्या गेंद को और आगे बढ़ रही है, पीछे पीछे भगवान शिव दौड़ते हुए चले जा रहे। अचानक उस कन्या ने अपनी पैर को धीमी धीमी, चाल को धीमी धीमी, और जैसे ही धीमी की तुरंत भगवान शिव ने आलिंगन किया। नेत्र बंद है भगवान शिव का, और नेत्र बंद करके उस कन्या का आलिंगन कर रहे हैं। और जैसे ही आलिंगन किया तो भगवान शिव का शक्ति पात हो गया और नेत्र खोले तो क्या देखा,
आलिंगन में कन्या नहीं है, भगवान विष्णु है, मुस्कुरा रहा है। तो वो जो शक्तिपात हुआ वीर का, सप्त ऋषियों ने एक बरगद के पत्ते पर उस शक्ति को, भगवान शिव के शक्ति को ले लिया। और उसको लेकर के माता अंजनी के सप्त ऋषियों ने अपने प्रभाव से माता अंजनी के कानू के रास्ते और उनके गर्भ में उस शक्ति के, शिव शक्ति का स्थापित कर दिया। वही शिव जी का जो शक्तिपात हुआ था, जिसको सप्त ऋषियों ने माता अंजनी के कानों के माध्यम से भगवान शिव की शक्ति स्थापित की थी, उसी शक्ति के प्रभाव से हनुमान जी का अवतरण हुआ। इसीलिए हनुमान जी रुद्रावतार। जब हनुमान जी का अवतरण हुआ, इतनी शक्तिशाली, क्योंकि उछल कूद जाने कर उन्होंने बाल्यावस्था में ही बाल समेर विभक्ष लियो तब तीन लोक भयो अंधिया कौन सुकाज मोर गरीब को कौन से काज बाल्यावस्था में ही उन्होंने सूर्य को, जब सूर्य उदय हो रहे थे एकदम लाल दिखाई दे रहा था, जब लाल दिखाई दे रहा था हनुमान जी ने सोचा कि ये फल है, चलो इसे खाता। और उन्होंने लगाई उड़ान, पहुंच गए सूर्य देव के पास और पकड़ कर अब तो अंधकार हो गया चारों तरफ, अंधकार ही अंधकार। अब देवता लोग घबराए, यह अंधकार कैसे हो गया? अंधकार होने का कारण क्या है? तब पता लगा कि अंजनी पुत्र हनुमान ने सूर्य को अपने मुख में फल समझ करके रख लिया। अब दोनों गाल खुला हुआ हनुमान जी का, क्योंकि सूर्य मुख में है। तब इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया, और जब वज्र का प्रहार किया तो उस वज्र से एक तरफ का जो गाल पे लगा तो मूर्छित होकर के हनुमान जी महाराज पृथ्वी पर गिर गए उस वज्र के प्रभाव।
और आधा सूर्य, पूरा सूर्य उनके मुख से नहीं निकला। आप देखें, दर्शन करते होंगे कि एक तरफ की गाल हनुमान जी का ऊंचा है और एक तरफ का नीचा, क्योंकि एक तरफ आधा सूर्य तो उनके मुख में है और आधा सूर्य को, आधी सूर्य निकला है तब तो हम लोगों की ये हाल होता है कि जलाने के लिए सूर्य देव तैयार होते हैं, और अगर पूरी सूर्य निकलते तो क्या होता, पूरी पृथ्वी जल जाती। अब जब वो जमीन पर गिरे, माता अंजलि रोने लगे, तब देवताओं ने आकर के उनको वरदान दिया। जाओ मैं वरदान देता हूं, इसका शरीर वज्र का हो जाए। ज्ञानियों में सबसे आगे परम ज्ञानी होगा, परम विवेकी होगा, बलशाली होगा, इसको कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा, और राम का अनन्य भक्त। हनुमान जी महाराज कुछ दिन घर में रहे और इसके बाद घर छोड़ करके पर्वत पर भजन करने के लिए चले। वहीं पर हनुमान जी को सुग्रीव मिला। जब सुग्रीव का भाई बाली ने उनका राज्य पाठ छीन लिया, पत्नी भी छीन ली, तब वो भयभीत होकर के और फिर उसी पर्वत पर आकर के रहने लगा, क्योंकि ऋषि का श्राप था उस पर्वत के ऊपर कि अगर बाली आएगा तो जल करके राख हो जाएगा। तो इसीलिए भय से भयभीत होकर के बाली का, बाली के भय से सुग्रीव और उस पर्वत पे आकर के रहने लगा। हनुमान जी का सुग्रीव का मुलाकात हुई, दोनों में प्यार हो गया। इधर भगवान राम अपनी पत्नी को खोजते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जटायु ने राम जी से कहा था कि जानकी को रावण, लंकाधिपति रावण दक्षिण दिशा में ले गया, तो भगवान राम लक्ष्मण के साथ जानकी को खोजते हुए आ रहे हैं। सुग्रीव ने देखा राम जी, हनुमान से कहा, हनुमान लगता है बाली मुझे मारने के लिए किसी को भेजा, जाकर के पता तो करो
बाली के कहने पर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर गए। और वहां पर आए राम जी से पूछा, कठिन भूमि को मल पद गामी कवन हे तू बिचरे ओ बन स्वामी की तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिर बन वीरा। महाराज ये भूमि अति कठोर है, अति कठोर और आपका चरण कोमल, फिर आप नंगे पैर इस जंगल में आप कैसे भ्रमण कर रहे हैं। और आप हैं कौन? भगवान राम ने कहा कोशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए यहां हरि निश्चर वैदे। मैं अवध नरेश महाराज दशरथ का पुत्र अपने पिता के वचन को रखने के लिए उनकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं जंगल में आया। और यहां पर जंगल में आने के बाद निशाचरों ने हमारी पत्नी जानकी का हरण कर लिया, लेकिन आपने मेरे विषय में तो सब कुछ पूछ लिया, लेकिन विप्रदेव आप तो बताओ आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा महाराज अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आप पहले सुनिए। अगर आप ज्ञान मार्ग से पूछते हैं, ज्ञान की दृष्टि से अगर पूछते हैं और ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जो आप हैं वही मैं। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। Oh,
वही मैं हूं और जो मैं हूं वही आप। क्योंकि ये जीव जो है ईश्वर का अंश, उसी परमात्मा का अंश। हम अपने आप को भूल चुके हैं। इसीलिए हम कहते हैं हम जो कहते हैं इसीलिए कहते हैं कि भैया हम सतसागर गुप्ता है, हम भाटिया है, हम फलाने हैं, हम ये हैं, वो है। तुम हो नहीं, जो तुम समझ रहे हो वो हो नहीं और जो हो वो समझ नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर भज सुखराशी चेतन अमर सहज सुखराशी। तू तो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, तो उसी परमात्मा का अंशीभूत हो। तुम रामदास या श्यामदास या शर्मा जी या भाटिया जी या गर्ग जी या गुप्ता जी नहीं हो। जब जन्म लिए थे तो क्या नाम था तुम्हारा? था कोई नाम? जब तुम जाओगे यहां से तो कोई नाम होगा? तो क्या कहते हैं, ये फलाने की मिट्टी है, वो व्यक्ति नहीं है। एक आश्रम एक संत की मृत्यु। वो संत जिसकी मृत्यु हुई थी उस आश्रम का कोठारी था और जितने भी आश्रम के सेवक थे उससे बड़े प्रेम करते थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई उस समय सेवक लोग सुन करके आए और जब आए तो उनकी पंचभौतिक शरीर खराब हुआ। सब रो रहे लेकिन उस आश्रम का जो महंत थे सबको रोते हुए देख करके हंस रहे। सबने कहा स्वामी जी कैसे हैं? देखो इस आश्रम के सेवा करने वाले और इतना सेवा भाव संत सेवकों को कितना ख्याल रखते थे, आश्रम का कितना ख्याल रखते थे। और आज इनकी मृत्यु हो गई। हम लोग तो रो रहे हैं और देखो ये महंत जी हंस रहे। रहा नहीं गया तो
एक सेवक ने महंत जी से जाकर पूछा कि महाराज आपके आश्रम के इतने बड़े सेवा करने वाले सेवकों को ध्यान रखने वाले संत गुजर गए, हम लोग रो रहे हैं और आप हंस रहे हैं। आप हंस रहे हैं। संत ने कहा एक बात बताओ, तुम रो किसके लिए रहे हो? उन्होंने कहा किसके लिए रो रहा हूं? अरे ये जो संत गुजर गए हमारे आश्रम के कुठारी, मैं इनके लिए रो रहा हूं। अच्छा, तो एक बात बताओ, उस संत का शरीर तो पड़ा हुआ है, शरीर भी वही है, गले में माला भी धारण कर रखे, भस्म भी लगा रखे, सब कुछ वही है, तो फिर रो काहे के लिए रहे? कहने का अभिप्राय है और हनुमान जी ने यही कहा, जो आप हैं वही मैं हूं और जो मैं हूं वही आप। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें तो जो आप हैं वो मैं हूं और जो मैं हूं वो आप, और अगर सांसारिक दृष्टि से देखें तो मैं आपका सेवक, मैं सेवक सचराचर, मैं आपका सेवक, और यही हनुमान जी एक बात आप समझें। यही हनुमान जी सुग्रीव को राम जी से मिलाए, यही हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता का रहा, और यही हनुमान जी जानकी की खोज के लिए गए। आप एक चीज और गौर करना, भगवान राम ने जो अंगूठी दी थी, भाई गए तो इतने आदमी थे और किसी को अंगूठी नहीं दी राम जी ने, केवल हनुमान को अंगूठी दी है कि ये मुंद्रिका, ये अंगूठी तुम्हें मैं इसलिए देता हूं क्योंकि इससे जानकी तुम्हें पहचान जाएगी कि ये राम का सेवक है, राम दूत है, क्योंकि राम जी को ये पता था कि इस कार्य को
केवल हनुमान कर सकता है और हनुमान ही करके आएगा, इसलिए राम जी ने अंगूठी भी हनुमान को दी। हनुमान जी वहां से चले हैं। एक चीज और आप गौर करें, हर जगह हनुमान जी शांत, जब जानकी जी के खोज के लिए चले हैं तो जितने बंदर भालू थे, ऋक्षराज, जामवंत, ये सब के सब अंगद वगैरह ये सब पहले पहले आगे आगे होता है ना, कोई बड़े आदमी के पास जाए जाना हो तो एक दूसरे को यो यो धक्का दे करके आगे बढ़ने की, पहले मैं जाऊंगा तो पहले मैं जाऊंगा, आगे बढ़ने की होड़ लगी है। ऐसे ही सब आगे आगे जा रहे हैं लेकिन हनुमान जी सबसे पीछे। एक चीज समुद्र के तट पर जब ये बात हुआ कि समुद्र पार कौन जाएगा, समुद्र पार जाकर के जानकी का खोज कौन करेगा, बोले हनुमान जी